हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ट्रेडिंग फैब का क्विकली इंट्रो दे देते हैं। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है या फिर एंजल ब्रोकिंग है। ये चारों भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है, टॉप मोस्ट ब्रोकरेज फर्म्स है इंडिया के, और इसका ऑथराइज पार्टनर है ट्रेडिंग फैब। एक मेगा ऑफर है सबके लिए, अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है, इक्विटी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस, इसका मेंबरशिप आपको फ्री में मिल सकता है। और एक ऑफर है जो हमारा बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, उसके लिए भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये हर कोई कोर्स कर सकता है जो फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है, जो और अपना स्टडी इम्प्रूव करना चाहता है, सबके लिए है। तो ये एक मेगा ऑफर है सभी के लिए। तो ये था ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट यहाँ से आपको क्लिक करना है अप्लाई हियर के ऊपर, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है, तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सभी ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। तो अकाउंट होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके और आपको प्रीमियम इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो आप इन चारों में से कोई भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यह था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में छोटा सा इंट्रो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 12 अक्टूबर 2020, मंडे है, सुबह के 8:29 हो रहा है, नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है। लास्ट फ्राइडे देखा निफ्टी में फिर से एक बार जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी थी, रेट कट नहीं हुए, आरबीआई को लग रहा है यहाँ से स्पीडी रिकवरी आ सकती है, कुछ टाइम लगेगा लेकिन उम्मीद कर रहे हैं। नेक्स्ट जब भी आरबीआई की पॉलिसी होगी तभी पेंडिंग रखा है डिसीजन, रेट कट करना है या नहीं। फिलहाल तो नहीं किया है, यानी उम्मीद ये है कि यहाँ से स्पीडी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 9 अक्टूबर आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,888 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,817। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स, ये 10 बजे जो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी आई थी उसके बाद ये ब्रेकडाउन लेवल को एज पेनेट्रेट करके यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ, और ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,917 और सेकंड टारगेट 11,930 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। 2 बार इस लेवल को इसने कंटिन्यूस पेनेट्रेट किया, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये लेवल क्या था, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो फ्राइडे का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये जो हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यहाँ पर ड्रॉ किया था उसका 11,930 का लेवल 38.2% का लेवल था। एग्जैक्ट इसी लेवल को इसने पूरा वीक में यहाँ पर, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था, इसी के पास इसने फ्राइडे को 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये जो फ्राइडे का पिक्चर है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, इस लेवल के पास आने के बाद ये यहाँ से यू टर्न मार रहा था, तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 23 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते अराउंड 17,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। अमेरिकी बाजार फ्राइडे को भी जबरदस्त तेजी वहां पर भी देखने को मिली, नासडैक करीब 158 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो वो फ्राइडे को वो भी हरे निशान में काम कर रहे थे। आज एसजीएक्स निफ्टी यानी एशियाई बाजार देखे तो जापानीज इंडेक्स में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी फिर से एक बार हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो फ्लैट ओपनिंग के साथ इस समय ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से फिलहाल अभी एक पॉजिटिव, फिर से नए वीक के शुरुआत में पॉजिटिव संकेत आ रहा है। चार्ट क्या कहता है, क्या एनालिसिस है वो देखते हैं। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में जैसे कि हमने एनालिसिस किया था कि यहाँ पर एक बार फिर से अपसाइड स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म ये फिर से एक बार असेंडिंग ऑर्डर्स में आ चुके हैं। ये फ्राइडे के बाद ये फर्स्ट टाइम अभी अक्टूबर में
अपसाइड स्ट्रक्चर यानी असेंडिंग ऑर्डर्स में आ रहा है और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। यहाँ से बाउंस बैक होके निफ्टी इंडेक्स ने जबरदस्त दो बुलिश कैंडलस्टिक्स बना लिए। तो अभी यहाँ से अभी ये भी लेवल अगर ऊपर की तरफ अगर निफ्टी इंडेक्स चला जाता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 12,283। हालांकि उससे पहले एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा, आप देख सकते हैं पास्ट में ये यहाँ से टूवर्ड्स साउथ की तरफ जब मूव हुआ तो एक बाउंस बैक आया और फिर यहाँ पे एक स्विंग हाई क्रिएट करके ये सीधा नीचे आया। तो ये जो लेवल है ये अराउंड 12,250 के आसपास आ रहा है। ये लेवल आप देख सकते हैं इस लेवल के पास 12,200 के पास। तो यहाँ पर हो सकता है ये रेजिस्टेंस फेस करे, उससे पहले 12,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होगा। अगर 12,000 को क्रॉस करता है तो ही हमें 12,283 के लेवल्स यहाँ पर आराम से देखने को मिल सकते हैं निफ्टी इंडेक्स में। तो फिलहाल अगर वीकली चार्ट की बात करें तो 12,283 के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा अगर 12,000 को कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो। चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोजी कैंडलस्टिक बनाया था थर्सडे को वीकली एक्सपायरी के दिन, और उसके बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद ये और ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ा और 11,931 के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। अगर पास्ट में यहाँ पर देखें तो यहाँ से एक फॉल आया था इस लेवल के पास से, ये करीब 12,000 के पास है। यहाँ पर एक हर्डल ये निफ्टी इंडेक्स को देखने को मिल सकता है। अगर हम RSI की बात करें, RSI जब जब ये 70 के पास आता है, 70 to 100 ये ओवर बॉट जोन माना जाता है। इस लेवल के पास आते ही आप देख सकते हैं ऊपर प्राइस एक्शन में भी एक करेक्शन आता है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि 70 के पास आने के बाद हमें डायरेक्ट सेल करना चाहिए। 70 के जोन में आने के बाद अगर प्राइस एक्शन में अगर हमें सिग्नल मिलता है रिवर्सल ट्रेंड का तो अभी हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ओवरबॉट जोन जो है वो एक्सट्रीम ओवरबॉट भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि 70 के पास आने के बाद ये एक करेक्शन दिखाता है छोटा सा, आप देख सकते हैं इस बारे में। अभी ये 70 के पास अगर पहुंच जाता है तो हो सकता है ये 12,000 के पास ये चला जाए और 12,000 से हमें एक छोटा करेक्शन देखने को मिले। हो सकता है 12,000 से भी एक्सट्रीम ओवरबॉट भी हो सकता है। तो जब तक प्राइस एक्शन में हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता तब तक यहाँ से शॉर्ट करना काफी रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट देखे तो जबरदस्त तेजी में इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। तो ये डेली चार्ट का इस वक्त का एनालिसिस है। अगर ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन आता है तो यहाँ पर अभी इमीडिएट अगर सपोर्ट देखे तो यहाँ से ये जो फॉल आया ये लॉन्ग बेयरिश कैंडल, इसका हाई 11,000 ऑलमोस्ट 800 के पास है। तो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा इस लेवल के पास, यानी 11,800 के पास एक इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स में करेक्शन हमें यहाँ से और गहराता हुआ नजर आ सकता है। तो 11,800 का सपोर्ट है, अगर लॉन्ग करना है तो 11,800 का सपोर्ट लेके हम लॉन्ग यहाँ से कर सकते हैं। तो यह था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। एक बार टू आर्ली चार्ट का भी सिनेरियो हम देख लेते हैं। RSI और प्राइस एक्शन को अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से अगर देखें तो ये लगातार हायर हाइज बना के चल रहा है। तो उसी समय RSI में भी देखें तो यहाँ से ये हायर हाइज, जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे ही RSI ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर लास्ट डे यानी फ्राइडे को देखें तो प्राइस एक्शन में फिर से एक बार हायर हाइज बन रहे, लेकिन RSI फेल हो चुका है हायर हाइज बनाने में। RSI में यहाँ पर ये लोअर हाइज बना है, तो ये क्लियर कट डाइवर्जन है, RSI डाइवर्जन। तो यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से प्राइस यू टर्न ले सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन RSI हमें एक पहले वार्निंग देता है कि भाई यहाँ से हो सकता है प्राइस में यू टर्न आ सकता है, तो कॉशियस रहिए लॉन्ग करते वक्त। तो जब तक यहाँ पर प्राइस एक्शन में कोई भी सिग्नल नहीं मिलता ट्रेंड रिवर्सल का तब तक यहाँ से शॉर्ट करना रिस्की साबित हो सकता है। तो RSI यहाँ पर डाइवर्जेंस बता रहा है, हो सकता है ऊपर ही 12,000 के लेवल से हमें यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिले। तो ये था टू आर्ली चार्ट का एक सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को क्विकली आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स ये जो लेवल है फ्राइडे का, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है कंफर्टेबली 11,941 के ऊपर तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,966, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा
11,995 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर, एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करें। निफ्टी इंडेक्स को फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ आके फिर से ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने दीजिए, तभी आप एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच की सिचुएशन होगी। और निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो जहाँ से इसने बाउंस बैक किया था, एक आपने देखा 60 मिनट के चार्ट में एक बाउंस बैक यहाँ से देखने को मिला था, फिर से इसने सेकेंड टारगेट के पास रेजिस्टेंस फेस किया, तो ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था फ्राइडे के दिन 11,858, इसको अगर ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो ये हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 11,839। ये हमारा एक क्विकली छोटा सा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये 20 EMA का पिंक लाइन जो कि 11,816 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।